नमस्कार दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सच्ची लगन की ज़रूरत होती है। हौसला बड़ा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है ये महिला, जो कि एक आईएएस अधिकारी आरती डोगरा है। आरती डोगरा राजस्थान केडर की आईएएस अधिकारी है और इन दिनों वो खूब सुर्खियों में है। दरअसल कोरोना संकट में जिस तरीके से वो अपने काम में जुटी है, उनकी हर ओर तारीफ हो रही है। मूल रूप से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली आरती के पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा भारतीय सेना में ऑफिसर है, तो वहीं उनकी मां कुमकुम एक सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापिका है। आरती डोगरा के मुताबिक उनका कद बेहद छोटा होने की वजह से लोग उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उस समय उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। बता दें कि आरती पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ तक कि उन्हें घुड़सवारी करना भी आता है। दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से आरती डोगरा ने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और उस दौरान वो छात्र राजनीति का भी हिस्सा रही और छात्र संघ चुनाव भी जीता। आरती कितनी होनहारे आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2006 में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। फिलहाल आरती डोगरा अजमेर की जिला अधिकारी पद पर नियुक्त है। इससे पहले वो राजस्थान के बीकानेर और बूंदी जिले में भी कलेक्टर के तौर पर सेवाएं दे चुकी है। जानकारी दे दें कि बतौर आईएएस ऑफिसर जब आरती डोगरा की नियुक्ति हुई थी, तब उनका कद 3 फीट 6 इंच होने की वजह से देश भर में इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। वहीं अब आईएएस की जिम्मेवारी संभालने के बाद आरती डोगरा की कार्य प्रणाली काबिले तारीफ रही है। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी उनकी सराहना कर चुके हैं। आरती डोगरा अब तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। आरती डोगरा ने वाकई में ये साबित करके दिखाया है कि इंसान का कद रंग रूप उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि काबिलियत, ईमानदारी और विचारों से उसकी पहचान और नाम होता है। तो दोस्तों, आरती डोगरा के जज्बे से आपको क्या सीख मिलती है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।